हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैरेबियन प्रीमियर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा जमैका तालावाज वर्सेस बाबाडोस रॉयल्स के बीच में सेंट किट्स के वॉर्नर पार्क स्टेडियम के अंदर 28 अगस्त के रात के 12 बजे। डेट 29 अगस्त हो जाएगी उस टाइम तक। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको CPL के मुकाबलों के अलावा इंग्लैंड इंडिया के मुकाबले, आयरलैंड जिम्बाब्वे के मुकाबले और भी काफी सारे मुकाबले स्टार्ट होने वाले हैं। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। और आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आप कैरेबियन प्रीमियर लीग के लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां आपको सभी मुकाबलों के अंदर सुपर हिट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और एंड के अंदर जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको एडिशनल मनी मिलने वाला। तो वेट मत करो, जल्दी CPL के लीडर बोर्ड को ज्वाइन कर लो। उसके अलावा हर मुकाबले के अंदर फ्री एंट्री मिलती है। सेकेंड इनिंग्स फैंटेसी का फीचर है, चैलेंज फैंटेसी के फीचर है, इतने सारे फीचर मिलते हैं फैन टू प्ले के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे बोनस कैश भी मिलेगा। तो डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है CPL की पिचे। किसी मुकाबलों के अंदर काफी मुश्किल है बल्लेबाजी, किसी मुकाबलों में काफी अच्छी बल्लेबाजी है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी पिच यूज होती है इस मुकाबले में। हालांकि बैटिंग उतनी मुश्किल लग नहीं रही इस साल के CPL के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं जमैका तालावाज की टीम के बारे में, जो कि पहले मुकाबले के अंदर काफी शानदार खेली और इस टीम की बैटिंग ने 255 रन मार दिए, जहां पे एंड्रू रसल फॉर्म में आ गए और उन्होंने CPL की हिस्ट्री की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारी। उन्होंने केवल 14 गेंदों के ऊपर 50 रन की पारी खेली। केनार लुइस ने भी 48 रन मारे, उनका स्ट्राइक रेट था 228 से ऊपर का। लुइस एक काफी तगड़े प्लेयर है। उसके अलावा चैडविक बॉल्टन भी बहुत ही शानदार खेले। चैडविक बॉल्टन ने 47 रनों की पारी खेली और चैडविक बॉल्टन का स्ट्राइक रेट था 160 से ऊपर का। हैदर अली ने CPL का डेब्यू किया और हैदर अली की पारी भी काफी शानदार थी और उनका स्ट्राइक रेट था 140 से ऊपर का। तो जमैका के सभी बल्लेबाज बहुत ही शानदार फॉर्म में थे और सबने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर जमैका के जो बल्लेबाज हैं वो अग्रेसिव बल्लेबाजी करना चाहेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो साउथ अफ्रीका के माइकल प्रिटोरियस ने 4 विकेट निकाले। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी काफी शानदार खेले थे। प्रिटोरियस से काफी अच्छे गेंदबाज है। उसके अलावा वेटरन स्पिनर इमरान खान को भी 3 विकेट मिले। पहले वो सेंट किट्स से खेलते थे। इमरान खान एक काफी अच्छे स्पिनर है। साथ ही के अंदर क्रिस ग्रीन पे भी निगाह होने वाली है इस मुकाबले के अंदर। क्रिस ग्रीन एक और काफी कमाल के स्पिनर हैं। कार्लोस ब्रैथवेट ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी नहीं करी पर उनका बॉलिंग फॉर्म काफी शानदार चल रहा है। उम्मीद करते हैं इस मुकाबले में ब्रैथवर्ड को बॉलिंग मिलने वाली है। तो जमैका एक काफी शानदार टीम लग रही T20 फॉर्मेट की। इनके सारे बल्लेबाज काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अलावा इनकी गेंदबाजी भी काफी अच्छी लगी मुझे पिछले मुकाबले में। जरूर जमैका की टीम अपने अग्रेसिव इंटेंट को इस मुकाबले के अंदर भी कंटिन्यू रखना चाहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं इस टीम के अंदर। अगर मैं आपसे बात करता हूं जमैका की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं चैडविक बॉल्टन और केनार लुइस, नंबर 3 पे हैदर अली, नंबर 4 पे रोमन पावल, नंबर 5 पे कार्लोस ब्रैथवेट, नंबर 6 पे एंड्रू रसेल, नंबर 7 पे शमार ब्रूक्स, फिर क्रिस ग्रीन, माइकल प्रिटोरियस, इमरान खान और वीरा साई परमोल। तो जरूर से एक काफी इंपॉर्टेंट मुकाबले जमैका के लिए। लगातार ये टीम लगातार 2 मुकाबले जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं बाबाडोस रॉयल्स की टीम के बारे में, जो कि लगातार 2 में से 2 मुकाबले हार चुकी है और इस टीम की बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही है। आजम खान ने फिर भी दोनों मुकाबलों में काफी डिसेंट बल्लेबाजी करी। आजम खान ने काफी अच्छे बल्लेबाज, जरूर से इस मुकाबले के अंदर वो बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। और शे होप भी 2 मुकाबलों में 64 रन मार चुके हैं। शे होप एक काफी टेक्निकली स्टेबल प्लेयर है, लेकिन इन दोनों के अलावा पूरी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप रही है।
ग्लेन फिलिप्स से उम्मीद होने वाली है इस मुकाबले के अंदर, उम्मीद करते ग्लेन फिलिप स्टेप अप करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए मोहम्मद आमिर 4 विकेट निकाल चुके हैं, मोहम्मद आमिर इकोनॉमिकल रहे हैं, उसके अलावा उनकी बॉल को स्विंग भी मिल रहा है। ओशेन थॉमस को भी 4 विकेट मिले इस टीम के लिए, और स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर ओशेन थॉमस भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर हेडन वॉश ने बहुत ज्यादा निराश किया है। वो काफी शानदार फॉर्म में थे, पर इन दोनों मुकाबलों में हेडन वॉश काफी खराब खेले हैं इस टीम के लिए। जेसन होल्डर को स्टेप अप करना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर, होल्डर कप्तान है इस टीम के, उनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों सुधारनी पड़ेगी। तो काफी बड़ा मुकाबला होने वाला है, अगर वो ये मुकाबला हारेगा तो आगे दिक्कत आने वाली है बार्बाडोस की टीम को। तो अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं बार्बाडोस की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं जॉनसन चार्ल्स और ग्लेन फिलिप्स, नंबर 3 पे शे होप, नंबर 4 पे जेसन होल्डर, नंबर 5 पे आजम खान, नंबर 6 पे काइल मेयर्स, नंबर 7 पे थिसारा परेरा, फिर एशले नर्स, हेडन वॉल्श, मोहम्मद आमिर, ओशेन थॉमस। जरूर से एक काफी बड़ा मुकाबला बार्बाडोस के लिए भी। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी जमैका, वो टीम होगी बार्बाडोस, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है कुछ स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियस सी बात है, पलड़ा यहां पे भारी रहेगा जमैका तालावास की टीम का। जमैका के पास काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी है, उसके अलावा उनकी गेंदबाज भी काफी शानदार फॉर्म में लग रहे हैं। वहीं जो बार्बाडोस की टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती दिख रही है, मुझे लगता है कि जमैका को जीत मिलेगी इस मुकाबले में। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।